tails. Tail is a call from Pune Consultants captain. And it is. It's a tail. Sir, congratulations for winning the toss. Why would you like to chase? Good evening, everyone. I would like to congratulate. I would like to congratulate the organizing committee. I think it's a wonderful tournament that you're organizing. The ground looks absolutely beautiful. The outfield is superb. I think I just saw the pitches as well. Okay, they are lovely. So, full talent for the ground. You know, the people who are working on the ground to start the event. Okay, so about the toss. I think we are a chasing team from beginning. Okay, I think the conditions as well. Later, maybe there will be some dew and the bowlers may find it difficult to grip. That is what my understanding is. Let's see. I hope I'm right. Thank you. All the best. Sir, you lost the toss, but you are batting first. Your thoughts on the target that you would like to set for them? We were already decided to bat first here because this is our first match. So we like to put some scoreboard pressure on the other team. We don't know much about the condition. The pitch does look a little bit bowler friendly. But let's see. We hope we can give them a good score and then defend it. Okay. Thank you very much and all the best. So news from the center is Pune Consultant has won the toss and they will elect to bowl first. ये बॉल आउट, कुछ भी समझ में नहीं आया। शानदार बने स्कोर, पहला विकेट डॉक्टर प्रतिंदर के रूप में, बोल बाय डॉक्टर प्रतीक अजहरकर बिना यहां पर। इस तरह से एक जबरदस्त 5 दिनों तक चलने वाला है क्रिकेट कार्निवल, आज का यह अंतिम मुकाबला। ये बॉल और ये शानदार विकेट यहां पर गिरता हुआ, महत्वपूर्ण विकेट डॉक्टर गगन के रूप में। यहां पर काफी ज्यादा कटकर बॉल अंदर आई थी, कुछ भी समझ में नहीं आया और एक महत्वपूर्ण सफलता यहां पर मिलती हुई, जो कि रीढ़ की हड्डी कहे जा सकते हैं अपनी टीम के। किस तरह से कट के बॉल, ये बॉल फिर से फटके, उसको उठा के खेल दिया है। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, कोई मौका नहीं एम्पायर का इशारे करने। ये बॉल इसको खेल दिया था ऑफ साइड के अंदर, बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, वहां एम्पायर के इशारे का एक बार फिर से इंतजार। और ये बॉल ऑर्थी के साथ एक और विकेट वहां पर गिरता हुआ, तीसरा विकेट यहां पर गिरता हुआ टीम पंजाब टाइगर्स का। तो कहा जा सकता है लगातार इंटरवल्स में यहां विकेट गिरते हुए, तो इस तरह से 13 का जो क्रिकेट के अंदर स्कोर होता है वो एक बार फिर हारी ने। पहला विकेट शून्य पर, ये बॉल खेलना चाहते थे इसको ऑफ साइड के अंदर, शानदार शॉट गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, और ये 4 रनों का शानदार कवर ड्राइव को खेल दिया था, शानदार शॉट यहां पर डॉक्टर मानव का। स्कोर पहुंचा 3-3 पर 3, 33 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। ये बॉल बहुत अच्छी, इसको हवा में उठाकर खेल दिया है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, कोई मौका नहीं वहां पर। ये बॉल इसको खेलना चाहते थे, बॉल अंदरूनी किनारे से टकरा कर फाइनल, ये बॉल इसको उठा के खेल दिया है, ओवर की पहली बॉल इस बार 3 से बाहर निकालकर हवा में मारा है डॉक्टर मानव घई के बल्ले से। ये देखिए किस तरह से सीधा लॉन्ग ऑफ के ऊपर यह शॉट खेला गया डॉक्टर मानव के द्वारा, और बॉल काफी दूर, मोहित है डॉक्टर जो बल्लेबाजी कर रहे हैं।
पकड़ी बॉल और एक बार फिर से ब्लाइटेड और फिर से सामने की तरफ उठाकर मारा है और बॉल सीधा देखिए कि जो सामने इस तरह के वापस मैदान में आया लगातार दो बॉल पे दूसरा छक्का। ये देखिए एक्शन रिप्ले में सामने की तरफ सीधा जो सामने मंच बना हुआ है सीधा वहां पर हमारे जो कैमरामैन बैठे हैं उनके वहां पर अगली बॉल और यहां पर क्लीन बोल्ड अगली बॉल और इस बार आगे की तरफ डाली थी हवा के हुए और छठवां विकेट आउट होता हुआ डॉक्टर अमित के रूप में। ये देखिए किस तरह से यह हवा में गई बॉल तो इस तरह से पांचवां विकेट आउट हो चुका है पंजाब टाइगर्स का डॉक्टर हुए। ओवर की पहली बॉल इस बार सीधा सामने की तरफ उठाकर मारा है भाई थोड़ा सा अपने से नाराज नजर आते हुए। यह देखिए किस तरह से उन्होंने इसको हवा में मारा था डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर खड़े फील्डर के पास यह है कैच के रूप में बॉल गई थी और उन्होंने कोई गलत इस बार गेंद को ड्राइव किया है बट विकेट की दिशा में गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर चार रन गया है डॉक्टर पाटिल ने। गेंद को ड्राइव किया है यहां पर हवा में जरूर है गेंद होल्ड कर दिया है यहां पर नीलेश पाटिल ने और नीलेश पाटिल को मिलने वाली यह पहली सफलता। नीचे फील्डर डॉक्टर नीलेश पाटिल हैट्रिक पर है यहां पर और लास्ट जोड़ी और यहां पर गेंद हवा में थी गेंद लेकिन फील्डर से और यहां पर पहले ही बाहर निकल चुके थे और ऑल आउट हो चुकी है यहां पर पंजाब टाइगर की टीम। काफी बढ़िया विकेट कीपिंग 135 बॉल और पहला विकेट पहली बॉल के ऊपर क्या गजब की शुरुआत यहां पर हुई है। एक ड्रीम ये बॉल और इसी के साथ एक और विकेट वहां पर गिरता हुआ कुछ भी समझ में नहीं आया फॉरवर्ड स्ट्रोक और तीनों खिलाड़ी जो हुए तीनों बोल्ड हुए तीन रन तीन विकेट और क्या चाहिए आपको वापसी के लिए इससे बढ़िया एक आपकी वापसी इससे बढ़िया क्या शुरुआत हो सकती है डॉक्टर मोहित। ये बॉल वहां पर पहले और उंगली उठती हुई वहां पर अंपायर की LBW बिल्कुल विकेट के ठीक सामने वहां पर पाया कोई संशय नहीं था अंपायर गेंद को ड्राइव कर दिया है मिड विकेट की दिशा में बढ़िया ड्राइव यहां पर कोई मौका नहीं पाने के बल्लेबाजों को अगर इस मैच में वापस आना है हर ओवर में कम से कम एक दो बार गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजना ही होगा। अगली बॉल और इस बार उसको सीधा लॉन्ग के ऊपर उठाकर मारा है छह रन स्कोर और यहां पर 50 रन भी पूरे होते हुए छह रनों के साथ यह 50 रन पूरे हुए YDL पुणे के स्कोर 53 रन चार विकेट के नुकसान पर। अगली बॉल और यहां पर क्लीन बोल्ड हो गए अगली बॉल और यहां पर डॉक्टर केदार कुलकर्णी भी क्लीन बोल्ड आउट हो गए। अगली बॉल और इस बार उसको सीधा उठाकर मार दिया है मिड ऑन और मिड विकेट के ऊपर से छह रनों के लिए और बॉल शायद शानदार छक्का यहां पर निकलता हुआ डॉक्टर कपिल पाटिल के बल्ले से
अगली बॉल फुल टॉस पर लेकर उसको सीधा ड्राइव किया है, कोई मौका नहीं किसी बॉल। और इस बार गेंद को ड्राइव किया है और इस बार तेज प्रहार किया है, कोई मौका नहीं किसी फील्डर के लिए। और यहां पर टॉप एज लगा है नीचे फील्डर और काफी बढ़िया केस यहां पर। और यहां पर गेंद को भेजा है हवाई यात्रा पर, गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। सफलता हासिल कर पाएंगे नहीं डॉक्टर रणदीप। और एक बार फिर गेंद को काफी लंबा ड्राइव यहां पर, गेंद जाती हुई सीमा रेखा। मैच हारा जरूर है यहां पर वाईएलडी, मुकाबला किया रन में 18 रन जी रहे थे और डगलस लुइस नियम से और बोल्ड कर दिया यहां पर पहले ही का।